आज की इस वीडियो में आपको नो स्कार क्रीम के बारे में बताऊंगी कि ये सेफ है या नहीं, कैसे ये आपकी स्किन पर काम करता है, इसका रिजल्ट क्या है और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं। गाइज, नो स्कार क्रीम पॉपुलर क्रीम है मार्केट में, जो कि आपको मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन भी इजीली मिल जाती है। इस क्रीम का इस्तेमाल ज्यादातर वो लोग करते हैं जो कि एक्ने, पिंपल्स के मार्क्स या पिगमेंटेशन से परेशान रहते हैं। सो गाइज, अगर आप भी इस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं या करने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। गाइज, कुछ टाइम पहले मुझे पिंपल्स हुए थे जिनके निशान मेरे चेहरे पर रह गए थे, तो उन्हें ट्रीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए मैंने डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने मुझे नो स्कार्स क्रीम दी। वैसे तो मैं अपने फेस पर कोई भी क्रीम यूज नहीं करती क्योंकि नेचुरल रेमेडी ट्राई करती हूँ और उनके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर के कहने पर ये क्रीम यूज की। गाइज, लगातार 10 दिन मैंने इस क्रीम का इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी कोई खास फर्क मुझे अपने दाग धब्बों में नहीं लगा, उल्टा मेरी स्किन सेंसिटिव हो गई। यस गाइज, इतना पतला इसने मेरी स्किन को बना दिया था कि अगर मैं 5 मिनट भी धूप में खड़ी हो गई तो मेरी स्किन में रेडनेस और इचीनेस आने लगती थी और स्किन पर दाने हो जाते थे। ये प्रॉब्लम मुझे सिर्फ 10 दिन यूज करने पर हुई। सोचिए, अगर मैं इसको 1 से 2 मंथ लगातार यूज कर लेती तो मेरी स्किन का क्या हाल होता। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस क्रीम का, तो क्या किसी भी क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, नेचुरल रेमेडी ट्राई करें, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये वर्क धीरे से करती हैं बट करती जरूर है। तो दाग धब्बों को खत्म करने के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी रेमेडी अवेलेबल हैं, आप वहां से ट्राई कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, सो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाली न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।